नमस्कार दोस्तों, भारतीय पुरुष और महिला टीम ने सोमवार को वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया है। पिछले महीने बुसान में वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप पेरिस ओलंपिक के लिए आखिरी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था, जिसमें भारत की दोनों टीमों को प्री क्वार्टर फाइनल में हार झेलनी पड़ी थी, जिसके खत्म होने के बाद टीम कॉम्पिटिशन में 7 जगह बची थी, जिनके लिए टीमों को उनकी रैंकिंग के आधार पर चुना गया। आपको बता दें, मौजूदा समय में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम 15वें और महिला टीम 13वें स्थान पर है। बता दें कि भारतीय टेबल टेनिस इतिहास में ये शानदार उपलब्धि है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब देश 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद टीम कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेगी। दोनों भारतीय टीम हाल ही में हुए ITTF वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में हारने के बाद क्वालिफाई करने से चूक गई थी। मेंस टीम को 0-3 से साउथ कोरिया से और वुमेन्स टीम को 1-3 से चीनी ताइपे से हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें, भारत के अनुभवी खिलाड़ी शरद कमल ने इस खुशी के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आखिरकार भारत ने ओलंपिक के टीम कॉम्पिटिशन के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मैं लंबे समय से ये देखना चाहता था। दरअसल ये खास इसलिए भी है क्योंकि भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेगी, जबकि भारतीय पुरुष टीम साल 2000 बीजिंग ओलंपिक के बाद दूसरी बार हिस्सा लेंगे। इसी बीच आपको बता दें, भारतीय पुरुष हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक 2024 अभियान की शुरुआत शनिवार 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी। भारत को पूल बी में न्यूजीलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के साथ रखा गया है। पूल ए में नीदरलैंड, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। गौरतलब हो कि 27 जुलाई से 2 अगस्त तक पूल मैच होने के बाद क्वार्टर फाइनल 4 अगस्त को होगा और सेमीफाइनल 6 अगस्त को होगा, जिसके बाद 8 अगस्त को फाइनल होगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन यादगार रहा था, जिसमें भारतीय टीम ने 41 साल के अंतराल के बाद हॉकी में ओलंपिक पदक जीता था। मनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारत ने कांस्य पदक जीता था, जिसमें टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराया था। आप क्या सोचते हैं इस उपलब्धि के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।